मैं इतना मार्केट में घूम रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ, मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है भाई कि दुनिया बहुत मिल के चलती है, कॉम्बिनेशन में चलती है, अकेले नहीं चलती है। लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, अकेले बहुत कुछ उखाड़ लूँगा, ऐसा नहीं है। बहुत लोग आपके साथ रहेंगे तभी आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे एक चीज़ कर रहे होगे ना, उसके पीछे कोई चीज़ और हो रही होगी। हाँ ये कि उससे आपका लेना देना नहीं रहेगा, मगर अगर वो डिस्टर्ब हुई तो आपका लेना देना हो जाएगा। जब तक डिस्टर्ब नहीं होती तो लगता है कि नहीं नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सब कुछ कर लूँगा, अकेले मेरे पास सारी चीज़ें। भाई ध्यान से सोचो, जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा गई थी, लोगों के बिजनेस तक चेंज हुए। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लोगों ने बताया जब लॉकडाउन लगाया तो उनकी लाइफ चेंज हो गई है। कोई बिजनेस करता था तो नौकरी करने लगा है, जो नौकरी करता था वो बिजनेस करने लगा। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, नौकरी छूट गई है तो बिजनेस करने लगा। मतलब लोगों ने हार नहीं मानी है, ग्रो करते रहे हैं लगातार। लॉकडाउन जैसी बड़ी चीज़ क्या हो सकती है भाई लाइफ में, वहीं से तो ज़िंदगी लोगों की बदल गई है, बहुत ज़िंदगी बदली है भाई। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मेरा तो शहर ही बदल गया, मैं अपने गांव से शहर में आ गया। सोचो, और शहर की लाइफ स्टाइल अलग होती है, गांव की लाइफ स्टाइल अलग होती है। शहर में पैसा रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, और गांव में क्या होता है, खेती वगैरह होती है, तो वो उसमें अनाज वगैरह जो होता है उससे लोग अपना बेच के सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं गाँव में पैसा इंपॉर्टेंट, मगर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए रिस्पेक्ट ज़्यादा लोगों की होती है। और गाँव में ज़्यादा टाइम रहता है लोग पास बातें करने के लिए, अगर कोई किसी को टाइम नहीं देता है, अच्छे से बात नहीं करता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मगर शहर वालों के लिए रॉ मटेरियल पैसा है, पैसा से ही काम होता है, पैसे पे लोग विश्वास करते हैं। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ज़्यादा विश्वास करेंगे आपके लोग। तो विश्वास का नाम दूसरा आजकल पैसा हो गया है। तो अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको पहले कोई चीज़ पैसा लाना पड़ता है, कहीं से भी आप लोन लेके भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। लोन भी लेने जाओगे तो वहाँ पर भी आपका क्रेडिट देखा जाएगा। लाभ कुछ ना कुछ करने के लिए आपको पैसा चाहिए शहर में, और गांव से अगर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लोग सहायता देंगे, और वहाँ से धीरे धीरे उठ सकते हो। कोई भी चीज़ करो, मैं पढ़ाता था गांव में जब, तो लोग सपोर्ट करते थे। शहर में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको सुविधाएँ देनी पड़ेंगी, वो आएंगी पैसे से, तो आप अच्छे से पढ़ा पाओगे, ज़्यादा बच्चे आपके पास पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसी तरह कोई बिजनेस भी करना है तो आपको शहर में अगर करना है तो बहुत सारी चीज़ दिखावा भी करना पड़ेगा, वो पैसे से आएगा, और पैसा आपके मेहनत से आएगा, लोगों को जोड़ोगे, बहुत सारे काम कराओगे तब आएगा। तो देख लो करके, जो जो जिसको करना है वो करके ट्राई करो, ट्राई करते रहो, रुको मत। सिर्फ एक चीज़ करते रहो कि भाई तो दिक्कत में आ जाओ, सही बता रहा हूँ, मार्केट तेज़ी से चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, बच्चों को डायरेक्ट पैसा चाहिए, क्योंकि भाई गेम है, बहुत सारी चीज़ें पैसे से हो रहा है, रिडीम कोड जनरेट करते हैं, उनको पैसा चाहिए गेम खेलने के लिए, बिना पैसे की अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती आजकल। तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई की तरफ ना जाके वो सारी चीज़ें करने लग रहे हैं। पढ़ाई पे अटेंशन ग्रैब करवाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मार्केट बहुत तेज़ चेंज हो रहा है। जैसे एक टाइम पे लोग चबा चबा के खाते थे, मगर लिक्विड आ गया, लोग पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लिक्विड चाहिए उनको, जल्दी से खा लेना है। तो उस तरह से मार्केट तेज़ चेंज हो रहा है, आने वाले समय में देख लेना, अगर आप चेंज नहीं हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ने वाले हो। दूसरे की नौकरी करोगे परेशान हो जाओगे, नौकरी ही करनी पड़ेगी दूसरे की, देख लेना। चाहे कितनों आप पढ़ लो, कितनों कुछ कर लो, आपको दूसरे की ही नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सबको गवर्नमेंट नौकरी मिलने वाली नहीं है, मान लो इस बात को। जो पढ़ रहा है, पढ़ाई वाले भी कुछ फेलियर में जाएंगे, लगे रहोगे तो फिर टाइम लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मत करो तो बैठे रहो, पढ़ते रहो ना खाली। अभी मेरे से एक भाई मिले थे, उनका SBI में हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो पहले प्राइवेट नौकरी करते थे, 2-3 घंटे पढ़ाई भी करते थे। उन्होंने पहले कोटक में काम किया, ICICI बैंक में काम किया, तो बता रहे थे जिस हिसाब से, तो ऐसा नहीं है, मेहनत करने वाले बता रहे थे, मेहनत करते रहोगे तो गवर्नमेंट नौकरी भी आपको मिल जाएगी, और प्राइवेट धक्के खाते रहोगे तो कुछ सीखोगे, और उससे अपने आप में मोटिवेशन लाओगे और चीज़ें करते रहोगे। अगर बैठ जाओगे सिर्फ तो डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए भैया सीधी सी बात है, पढ़ाई करो और साथ साथ जॉब भी करते रहो, और पैसा आपके पास रहेगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता है, आप चलते रहोगे। पैसा एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है आपके लाइफ में, जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कमाना ज़रूरी है आजकल, क्योंकि अगर रिस्क आ गया ना बीच में, अगर कुछ हो गया तो फिर कोई नहीं साथ देता, घर वाले भी नहीं साथ देते, मानो। इसलिए भाई पैसे कमाओ और पढ़ाई में लगाओ, इन्वेस्ट करो, चीज़ों को सीखो, सीखने में लगाओ तो ज़्यादा बेस्टर है, क्योंकि सीखोगे तो नई नई चीज़ें कर पाओगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए
हमको बाय बाय बोलो, टाटा बोलो, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह मैं मोटिवेट करता रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें बनाता रहूँगा, पढ़ाई की वीडियो बनाता रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा आपको लाइफ में। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय। अगर आपको लगता है ना कि दुनिया आपके लिए कुछ करेगी तो आप गलत फहमी में। भाई सबसे पहले आपको कुछ करके दुनिया को देना पड़ता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाके दुनिया आपके लिए कुछ करती है। पैसा एक अमाउंट है, वो आपको एक अमाउंट में मिलता है, इसलिए आपको लगता है पैसा सब कुछ है। ऐसा नहीं है, आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा अच्छे से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे उतना जल्दी ग्रो कर सकते हो। ये बात अपने दिमाग में रख लो, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा सोचोगे कि नहीं नहीं मुझे आगे कोई कुछ देगा, मेरे लिए कुछ करेगा, तो आप गलत फहमी में हो। सिर्फ आपको पढ़ने से, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको सोचोगे क्यों पढ़ रहे हो, किसी की प्रॉब्लम से सॉल्व हो सकती है कि नहीं, कुछ भी वो हो सकता है। आज लोग अधिकारी बनना चाहते हैं, भाई अधिकारी बन के क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये भी तो देखो। जो प्रॉब्लम्स है पढ़ने के बाद सॉल्व हो जाएगी तुम्हारे, निकाल लोगे एग्जाम, उसके बाद भी लोग सस्पेंड होते हैं, उसके बाद भी लोग प्रॉब्लम में आते हैं, लोग नहीं कर पाते हैं अच्छे से काम। इस बात को ध्यान में रखो, सिर्फ एक सक्सेस बंदे को मत देखो, पूरी लिस्ट उठाओ, पता करो कि क्या लोग बन पाए हैं, लोग एग्जाम निकाल के भी क्या अच्छे से ज़िंदगी जी पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखो, उसके बाद अब निर्णय लो। क्योंकि जो आप चाहते हो अगर वही नहीं हो पाएगा तो नौकरी पा के भी क्या करोगे। संतुष्ट होना सबसे बड़ी चीज़ होती है, और जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे संतुष्टि ही नहीं मिलेगी, क्योंकि चीज़ें और आपको दिखती जाएंगी, और जितना ज़्यादा संतुष्ट होगे उतने ज़्यादा खुश होगे। खुश होने के लिए संतुष्टि ज़रूरी है, न कि बहुत सारी चीज़ें, नहीं तो लोग पास इतनी सारी चीज़ें हैं तब भी लोग खुश क्यों नहीं हैं। तो दिमाग में रखो, सक्सेस होने के लिए आपको किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दूसरे के लिए जीना है, इतना समझो। और वैसे भी वही लोग सक्सेस हैं जो दूसरे के लिए जी रहे हैं, वो दिखाते हैं कि मेरे पास ये सारी चीज़ें, वो रियल में दूसरे के लिए ही कर रहे होते हैं। आप किसी भी सक्सेस बंदे को नाम उठा के दिखा देख लो, वो दूसरे के लिए करना है कुछ ना कुछ, कोई भी बड़ी कंपनी हो, कोई भी चीज़ हो, और वो होता है आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने से। आपका लोग साथ देने लगते हैं, जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो लोग आपका साथ देते हैं। नहीं तो करके देख लो, आप कहीं भी कुछ भी करके देख लो, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे लोग आपका साथ देने लगे। करके देखो, इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद बताओ वीडियो में, कमेंट करो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो आप लोग को ये करना चाहिए, अगर जो भी ग्रो होना चाहते हैं उनको, लोगों को जोड़ना आना चाहिए। लोगों को जितना जल्दी जोड़ोगे भाई उतना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अकेले कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, अकेले से आप थॉट प्रोसेस कर सकते हो, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए टीम चाहिए होती है पूरी की पूरी, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। कोई भी काम उठा के देख लो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं तब जाके एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जो आज बात करते हो, आज किसी भी टेलीकॉम सेक्टर में देख लो, जियो हो, आप एयरटेल हो, उसमें कितने लोग काम कर रहे होंगे आपको पता भी नहीं होगा, बैकग्राउंड में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व मिल रही है इस वजह से नहीं दिख रहा है। और आपको जब सोचो एक सेकेंड के लिए आपका डेटा नहीं चलता है, दो सेकेंड भी नहीं चलता, तो कितने परेशान हो जाते हो, उसके पीछे कितनी बड़ी टीम काम करती है। उसी तरह हर एक चीज़ है भाई, पढ़ाई को ही देख लो, कोई बंदा पढ़ा रहा होता है उसके पीछे उसकी कितने साल की मेहनत होती है, उसको कितने लोग पढ़ाए रहते हैं तब जाके वो आपको पढ़ा रहा होता है। तो भाई इमीडिएटली कुछ नहीं होता है, वो दिखता जरूर है रिजल्ट, मगर उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जाके होता है सारी चीज़ें। इतना आसान भी नहीं है ग्रो करना, इतना आसान नहीं है, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे भाई ये क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कॉम्पिटिटर कॉपी करने लगेगा, आपको तेज़ी से चेंज भी होना पड़ेगा। करके देखो फिर बताओ कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ।